सर, इसका बाग परियोजना में ST5 बागिन के लापता हुए लगभग एक महीना बीत चुका है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। ST5 को ढूंढने के लिए वन प्रशासन की पूरी टीम सर्च अभियान में जुटी है, लेकिन अभी तक बागिन के नाम मिलने से वन प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि पिछले दिनों ST11 बाघ की मौत से कई तरह के सवाल भी खड़े हो गए हैं। इससे लगता है कि कहीं बागिन ST5 का भी वही हश्र तो नहीं हुआ जो ST11 के साथ हुआ। सरिस्का में 24 फरवरी से लापता बागिन ST5 को लेकर भले ही वन प्रशासन बागिन के किसी नाले या गहरी गुफा में चले जाने की बात करता हो, लेकिन ये सब बातें बेमानी सी लगती हैं, क्योंकि बाघ या बागिन किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो उसके पग मार्क भी मिलते हैं। साथ ही अगर कोई शिकार भी बाघ करता है तो उससे भी पता लग जाता है कि टाइगर किस तरफ है। साथ ही रेडियो कॉलर से भी टाइगर की पूरी लोकेशन है। लेकिन लापता बाघिन का एक माह बाद भी कोई सुराग न लग पाना कई तरह के संशय पैदा करता है कि कहीं बाघिन की हत्या तो नहीं कर दी। एक दिन रात एक कर रखा है उन्होंने ST5 को हेरने में। आज देखो भाटा से इधर कुछ हड़ी एक पार्टी, इधर बोरेटा साइड में एक पार्टी, इधर से रोमिया जी खरुआ अंदर गई है, खड़क नाड़ा में वन पाल जी गए, इधर से बालट नाका वाली टीम लेके वो उधर कोई उमरी उतरेगी, कोई इधर को रोटगाड़ा साइड में चारों तरफ शेष ST5 भेजने में लगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों ग्रामीणों द्वारा अपने खेतों की रखवाली करने के लिए की गई बाड़ेबंदी के फंदे में फंसने से टाइगर ST11 की मौत हो गई थी। हालांकि वन विभाग ने खेत मालिक घनश्याम प्रजापत को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं मिल पाए और बाघ ST11 की हत्या नियोजित पूर्वक की गई थी। अब भले ही वन कर्मी लकीर पीटते नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से मॉनिटरिंग बाघों की सुरक्षा को लेकर की जाती रही तो फिर एक बार 2004 वाली स्थितियां सामने आ सकती हैं, जब सरिस्का वन क्षेत्र में शिकारियों ने बाघों का सफाया कर दिया। उधर सोमवार को अकबरपुर रेंज के सिलीबेरी जंगल में वन कर्मचारियों और अधिकारियों सहित उड़न दस्ता और फ्लाइंग के कर्मचारी एकत्रित होकर बाघिन ST5 का पता लगाने के लिए जंगल में छानबीन करते रहे। इस सर्च अभियान में अकबरपुर रेंज और अजबगढ़ रेंज के कर्मचारी साथ मिलकर ST5 बाघिन को ढूंढते हुए नजर आए।